ये कीड़गंज थाना अंतर्गत 15 तारीख को सुबह लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास एक लूट की घटना का प्रयास किया गया, जिसमें इनके द्वारा जो वादी है उसको गोली भी मार दी गई थी पैर में। उसके बाद से ये लोग फरार चल रहे थे। इनके ऊपर थाना कीड़गंज में मुकदमा लिखा गया और SOG थाना कीड़गंज और अतरसुईया की टीम्स इनके पीछे लगातार लगा दी गई थी। तो सर्वेलेंस की मदद से, CCTVs की मदद से इनको लगातार ट्रैक किया जा रहा था। फिर कल रात को मुखबिर खास की सूचना पर पता चला कि ये लोग परेड के आसपास मौजूद हैं, जिस पर थाना कीड़गंज और अतरसुईया की जॉइंट टीम वहां पर पहुंची और इनके साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें दो लोग रजत और राज हैं उनको पैर में गोली लगी और तीसरा प्रकाश है उसको मौके से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो बरामदगी हुई है उसमें घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर, उसके अलावा 3 अवैध असले, 3 जिंदा कारतूस व 2 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुए हैं। और इनका आपराधिक इतिहास देखा गया तो रजत है, उसके ऊपर पहले से 9 मुकदमे दर्ज हैं और राज है, उसके ऊपर पहले से 1 मुकदमा है, और प्रकाश है, उसके ऊपर पहले से 9 मुकदमे दर्ज हैं। इनको फिलहाल जो मुकदमा लिखा गया उसमें जेल भेजा जा रहा है। आगे भी इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और विभिन्न जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी।